0.45x फोन लेंथ है। आप देखें ये पाउच है, जो है ना ब्लॉगिंग करते हैं और मुख्तलिफ एरिए में जाते हैं, आप जो है ना चीज़ें को कैप्चर करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया अंदर ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम। हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज के जो ब्लॉग है वो करते हैं स्टार्ट, क्योंकि आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एक अच्छी वीडियो है, जो कि आपकी एक जो है ना मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। और आपको आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी, ये किस तरह की चीज़ निकलती है, हमने किस तरह मंगवाई है और कितने रुपये में हम पड़ी है, और सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो को फुल वॉच करना है और एंड तक देखते रहना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मालूमती वीडियो है। क्योंकि आईफोन जो होते हैं वो 11 से नीचे नीचे जो भी होते हैं, आईफोन 7, 8, 7 प्लस, 8 प्लस एक्स, क्योंकि इसमें वाइड एंगल नहीं होता, 11 से पहले वाइड एंगल नहीं है। अगर आपने जो माइक्रो आपने अगर माइक्रो लेंस लेना है, कैमरा लेंस लेना है, तो आप अच्छी वीडियो पर आएँ, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। और आज की वीडियो जो करते हैं वो स्टार्ट, और क्योंकि आज मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ, ये है लेंस, 0.45mm का ये लेंस है। और आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये मैंने मंगवाया है दराज से और ये मुझे तकरीबन पड़ा है 1450 रुपए में डिलीवरी जो आती है। ये इसकी जो कीमत ये तकरीबन 200 रुपए जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो हमें मिले हैं। और क्योंकि ये लेंस जो है ये काफ़ी अच्छा लेंस है, क्योंकि मैंने पहले इसके ऊपर बहुत सर्च किया है और फिर इसलिए बाद में मैंने लेंस मंगवाया है। तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं करते और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम इसकी जो अनबॉक्सिंग करते हैं, ये देखें अभी जो फर्स्ट पे ये इसका बॉक्स हम खोल रहे हैं, और इसमें ये डब्बा है, ठीक है, जिसके अंदर ये डब्बा है, और इसमें ये देखें 0.45x फोन लेंस, ये ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये इस तरह का लेंस है, ये इसके जो अंदर जो कलर है ये वेरिएंट है, इसमें आते हैं ये, और ये इसके ये साइडें ये भी हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस पर जहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो अभी हम जो है ना बॉक्स ओपन करते हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। जो फर्स्ट चीज़ ये फर्स्ट नंबर पर जो चीज़ है ये है, आप देखें ये पाउच है इसका, इसके अंदर जो लेंस को इसके अंदर जो है ना रखा जाता है, ये फर्स्ट ये चीज़ है। अब सेकेंडली मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या चीज़ है। सेकेंड मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर ये यहाँ पर आई है, ये देखें इस पे उसके ऊपर ये ना ये चिप है, लगाएंगे तो ये लेंस जो है इसमें यहाँ पर डलेगा, इसके अंदर ये चूड़ियाँ होती हैं उसके अंदर ये डल जाएगा। तो ये दूसरे नंबर पर चीज़ आ गई। अब तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर ये है आपका वाइड एंगल लेंस, 0.45mm वाइड एंगल लेंस, ये देखें ये इसके ऊपर ये इसका ढक्कन भी है, ये भी इसके साथ आता है और ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो अभी जो है ना हम ढक्कन को ज़रा उतारते हैं। माशाल्लाह ये चीज़ आपकी अंदर से ये चीज़ निकली है, ये है वाइड एंगल लेंस, ये इसके ये देखें ये इसके ऊपर ये ज़रा निशान भी बने हुए हैं, ये कैमरे की जो निशानदेही करने के लिए, ये इसके ऊपर ये साइड पर रखते थे। ये हो गए हमारे चार आइटम हो गए, ठीक है, चार आइटम इसके हो गए। अभी जो हमारे पास जो ये चौथे नंबर पर ये चीज़ है, ये इसका जो है माइक्रो लेंस है, ये देखें ये इसका बहुत ही छोटा लेंस है, माइक्रो लेंस है इसके ऊपर, और इस ये जो छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको दिखा देगा, ये है माइक्रो लेंस, ये हो गया। और इसके ऊपर पाँचवें नंबर पर ये इसके ऊपर इस लेंस का भी ये देखें इसकी भी कैप है इसके ऊपर से, ये आप चेक करें, मटेरियल चेक करें, आप क्वालिटी चेक करें, अच्छी चीज़ है। और फिर ये सिर्फ बॉक्स बच के हमारे पास ये खाली बॉक्स है। तो अभी जो है ना आपको जो लेंस है ये लगाकर दिखाते हैं किस तरह का ये लेंस लगना है। और आप बिल्कुल मेटल का है, ये देखें ये जो चीज़ है ये बिल्कुल आप देखें प्रीमियम मेटल है, इसमें कोई जो है ना वो दूसरी बात नहीं है, ये मेटल की चीज़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो है ना इसे आपने फिट किस तरह करना है। सबसे पहले आपने माइक्रो लेंस को लगाना है, ये देखें ये माइक्रो लेंस है, इसे आपने यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपने ये चूड़ी है ना ये इसकी आपने यहाँ पर जो है ना इसके अंदर लगा देनी है माइक्रो लेंस की, ये इस तरह से। क्योंकि अगर जब आपने वीडियो बनानी है, आपने वाइड एंगल आपने यूज़ करना है, तो आपको ना ये माइक्रो लेंस जो है ना आपको ये लगाना पड़ेगा, इसके अगर ये नहीं लगाएंगे तो जो वीडियो है वो आपकी नहीं बनेगी। तो ये आपने इसके ऊपर लगाना है, और फिर आपने इसके ऊपर ना ये देखें ये अल्ट्रा वाइड जो लेंस है यहाँ पर इसके ऊपर आपने फिट कर देना इस तरह से, ये देखें इस तरह से आपने इसके ऊपर जो अल्ट्रा वाइड जो लेंस है यहाँ पर आपका फिट हो गया, ये देखें।
और इसके ऊपर आपने ये कैप जो है ये यहाँ से उतार देनी है। ये मोबाइल के ऊपर आपको लगा कर दिखाता हूँ कि ये किस तरह की क्वालिटी जो फ्राहम करता है, और ये वाइड एंगल किस तरह का है, और जो माइक्रो लेंस है वो भी किस तरह का है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ लगा कर। सबसे पहले मैं इस पर ना ये आपको लगा कर अभी दिखा रहा हूँ, ये इसके ऊपर जो है ना इसका ये यहाँ से जो चिप है यहाँ से ये ऊपर कैमरे के आप लगा देंगे। ये अभी मैं आप अभी भी देख लें वीडियो, क्योंकि यार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैंने और भी वीडियो देखी हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जो अच्छी से अच्छी जो वीडियो है वो आपके लिए फ्राहम करूँ, और अच्छा जो कॉन्टेंट है आपको प्रोवाइड करूँ, और अच्छे जो क्वालिटी है वो आपको दिखाऊँ। और ये देखें ये आप इसको चुटकी को आप इस तरह कैमरे पर लगाएंगे, और आप अभी भी देख रहे हैं ना, जब आप वाइड एंगल ये देखेंगे फिर आपको पता चल जाएगा ये वाइड एंगल कितना है। ये देखें अभी जो है ना ये मेरा वाइड एंगल जो है ना अभी लग चुका है इस टाइम, और आपको अभी जो है ना नज़र आ रहा होगा कितना वाइड है, पहले कितना था अब कितना है। ये अभी मैं कैमरा जो है उतारता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें अभी मैं लेंस को उतारने लगा हूँ अभी। ये देखें आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है कि नहीं, क्योंकि फ़र्क है, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये ना ये मैं आपको दोबारा में लगा कर दे, क्योंकि आपकी जो जो आपका जो है ना माइंड में चीज़ें वो आपको सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपकी क्लियर कर दूंगा ये कितना फ़र्क है इसमें। तो अभी मैं दोबारा फिर लगा रहा हूँ, आप नोटिस कीजिएगा। अभी जो सेटिंग है इसकी, क्योंकि इसकी जो सेटिंग होती है वो ज़रा मुश्किल है, बाकी ठीक है। अभी इसकी जो एडजस्टमेंट है वो अभी अच्छी हो गई है, तो आपको जो है ना वो चीज़ें नज़र आ रही होंगी कितना फ़र्क है। अभी जो मेरा वाइड आपको यहाँ पर बाजू आपको नज़र आ रहा होगा, जब ये मैं उतारता हूँ तो मेरा यहाँ से ना ये सिर्फ ये एरिया नज़र आता है, मेरे बैकग्राउंड तो पीछे वैसे ही ब्लर हो जाता है। तो क्योंकि अभी आज गर्मी बहुत है, तो आपके लिए जो वीडियो है आपको लिए अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको जो अल्ट्रा वाइल्ड जो लेंस है और माइक्रो लेंस है आपको किस तरह का लगा है आपने हमको अपने बताना है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अल्ट्रा वाइड लेंस आपको दिखाया है, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ माइक्रो लेंस किस तरह का है, और ये किस तरह का की जगह पर जो है ना वो फोकस करता है कि नहीं, कितनी जो एरिया वो कवर करता है, और कितने जो क्लोज़ आप जो शॉट लेंगे तो आपका जो माइक्रो लेंस है वो आपको अच्छी क्वालिटी आपको फ्राहम करेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ माइक्रो जो उसका छोटा लेंस है उसकी क्वालिटी आपको दिखाता हूँ। तो आपने वीडियो फुल वॉच करनी, वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, और इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ये यही चैनल आपको ये वीडियो फ्राहम कर। ये बहुत क्लोज़ शॉट लेता है, ये देखिए जितना आप क्लोज़ करेंगे ना ये तकरीबन इतना कोई फ़र्क नहीं है, ये तकरीबन 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर ये तकरीबन इतना फ़र्क है। इससे जितना भी आप क्लोज़ करेंगे ये उतना जो परफेक्ट है वो ये माइक्रो लेंस जहाँ पर क्वालिटी आपको फ्राहम करता है। ये देखिए जितना आप इसे दूर करेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना ब्लर होता जाएगा, आप जितना नज़दीक करेंगे ना ये इतनी जो है ना वो क्लेरिटी और जो क्वालिटी है वो फ्राहम करेगा। ये देखें ये देखें आप इसे जितना क्लोज़ रखेंगे, जितना आप इसे क्लोज़ करेंगे ये जो इतनी जो है ना ये क्वालिटी आप ये देखें आपको फ्राहम करेगा, जितना ऐसे आप दूर करेंगे ये वैसे ब्लर हो जाएगा। ये इसका जो माइक्रो लेंस है ये इसकी क्वालिटी है, बहुत ही प्रीमियम चीज़ है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, और हमें भी इसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसे यूज़ करना चाहिए। ये बिल्कुल क्लोज शॉट है, बिल्कुल क्लोज शॉट है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव आपको लगी है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, इस तरह न्यू ब्लॉग देखने के लिए। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट चीज़ है, और ये परफेक्ट मटेरियल आपके लिए ब्लॉगिंग के लिए। और आप अगर जो है ना ब्लॉगिंग करते हैं और मुख्तलिफ एरिया में जाते हैं, आप जो है ना चीज़ों को कैप्चर करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और जो भी चीज़ें इसमें आती हैं तो उसके लिए ये परफेक्ट चीज़ है, बहुत ही आला मटीरियल है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, आप ज़रूर इसे बाय कीजिएगा।